अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। आज मैं आपके साथ एक हेल्दी ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, और चलें देखें ये किन किन चीज़ों से तैयार की जाती है। मैंने ये तीन अंडे लिए हैं, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑयल, हाफ चॉप किया हुआ अनियन, ग्रीन कोरिएंडर, 2 ग्रीन चिलीज और 3 स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड के लिए हैं। अब मैं ये पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दूंगी और इसे थोड़ा सा ऐसे फैला दूंगी और मीडियम फ्लेम ऑन करके चॉप अनियन को ऑयल में शामिल कर दूंगी। और ये आपने प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट करना है, 1 मिनट के लिए सॉफ्ट करना है प्याज़ों को। और 1 मिनट के बाद आपने ग्रीन चिलीज प्याज में ऐड कर देनी है। ये देखिए इस तरह से ग्रीन चिलीज ऐड करके दोनों चीज़ों को 2 to 3 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे सॉफ्ट कर लेना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा आपने इन्हें मिक्स करते रहना है। और फिर उसके बाद ये देखें, ये अब सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं इन्हें अलग से प्लेट में निकाल लूँगी। अब बॉल में मैंने 3 एग्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। ये देखिए अब ग्रीन चिलीज़ और अनियन को अब मैं अंडों में मिक्स करके और साथ में ये कोरिएंडर भी मिक्स कर लूँगी। ये मैंने धनिया जो है अक्सर फ्रीज़ करके रखती हूँ, अगर आप फ्रेश भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो फ्रेश भी धनिया यूज़ कर सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं सॉल्ट और रेड चिली पाउडर भी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मेरी प्लीज़ आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें। ये अब मैं 1 टेबलस्पून पैन में ऑयल शामिल कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पे ब्रेड्स को लाइट ब्राउन दोनों साइड से कर लूंगी। अगर आप बटर यूज़ करना चाह रहे हैं तो ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब दोनों साइड लाइट ब्राउन हो चुकी हुई हैं। अब मैं एग्स का मिक्सचर ऊपर डाल दूंगी ब्रेड के ऊपर और इस तरह से साइड चेंज कर लूंगी और दूसरी साइड पे भी सेम ही मिक्सचर ऊपर ब्रेड के ऊपर डाल देना है। अगर आप मिक्सचर ज़्यादा डालना चाह रहे हैं तो ज़्यादा भी आप मिक्सचर ब्रेड के ऊपर डाल सकते हैं, और वाइट ब्रेड अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब दोनों साइड, अब ये एक साइड हो चुकी हुई है, अब मैं दूसरी साइड टर्न कर दी है। ये देखिए इसका कलर ये है लाइट ब्राउन सा, दोनों साइड इसी तरह से होनी चाहिए। अब मैंने ये एक ब्रेड रेडी हो चुकी है, अब दूसरी ब्रेड की दूसरी साइड को मिक्सचर ऊपर डाल के पका लूँगी। ये बहुत ही क्विक ब्रेड ऑमलेट बन जाता है, सुबह के टाइम अगर खाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है, बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। और ये मुझे ट्राई करके आप ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में। ये देखिए अब एक साइड इसकी लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब दूसरी साइड भी आपको मैं दिखाती हूँ। दोनों साइड आपको इस तरह की करनी चाहिए, ओवर कुक नहीं करनी। ये देखिए ये इसकी दूसरी साइड है, अब ये दोनों साइड रेडी हो चुकी हुई हैं। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, और ये है इनकी तीनों ब्रेड्स की फाइनल लुक। और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी ब्रेड ऑमलेट की पसंद आएगी, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।